नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण लाभार्थियों को वितरित किया गया आवास प्रमाण पत्र। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लॉक प्रांगण में शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिलरियागंज ब्लॉक के 40 लाभार्थियों में सीडीओ द्वारा आवास प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए मिलने हैं, जिसमें पहली किस्त मकान की दीवार खड़ी हो जाने पर बैंकों द्वारा डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में शासन द्वारा भेजा जाएगा, जबकि दूसरी किस्त छत लग जाने के बाद और तीसरी किस्त मकान की पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने भारत स्वच्छता अभियान के तहत कहा कि आप लोग आवास योजना के अंतर्गत सुलभ शौचालय भी बनवाएं, खुले में शौच ना करें, क्योंकि खुले में शौच करने से बीमारियां फैलती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को आवास योजना के अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना का भी लाभ मिलेगा तथा शौचालय का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह सपना है कि सन 2022 तक सभी गरीबों को आवास मिल जाए, उनका आवास पक्का नजर आए। प्रमाण पत्र वितरण करने के बाद उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों से कहा कि लाभार्थियों के दरवाजे पर पहुंचकर आप लोग नक्शा नजरी के तहत नींव खुदवाकर मकान बनवाने में लाभार्थियों की मदद करें। मिल गया लेकिन उसको अभी किस्त नहीं हुई। वो सिर्फ कंप्यूटर में एक एफटीओ डोगल होता है, वीडियो साहब और एक अकाउंटेंट जैसे ही लगा देंगे वैसे पैसा विद इन सेकंड पहुंच जाएगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। या चला भी गया होगा उसको पता नहीं होगा, वो जाके बैंक में दो दिन बाद वेरीफाई करेगा तो खाते में पैसा उसका पहुँचा होगा निश्चित रूप से। सेमिनार लगा है जो आप बुलाए हैं, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज सिर्फ ये है कि एक तो लोगों को ये जानकारी हो जाए कि उनको आवास मिला हुआ है, प्रधानमंत्री आवास उनको प्राप्त दिया जा रहा है, क्योंकि पैसा तो सीधे उनके खाते में चला जाएगा, उनके हाथ में देने के लिए हमारे पास कुछ अलग से व्यवस्था नहीं है। तो टीडी साहब ने विशेष प्रयास करके प्रमाण पत्र बनवाया है कि उनके हाथ में ये चीज़ मिल जाए, तो प्रमाण के रूप में सदैव उनके पास रहेगा। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही था। साथ ही साथ में हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के लिए भी प्रेरित करने के लिए आए हुए हैं कि उसको भी लोग बनवाएँ और शौचालय का उपयोग करें, खुले में शौच न किया जाए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसमें वृक्षारोपण चल रहा है, 15 अगस्त को हमारी सरकार ने बहुत बड़ा आयोजन किया वृक्षारोपण का, उसके लिए भी समीक्षा करने के लिए हम आए हैं कि इस ब्लॉक में हमारी क्या स्ट्रेंथ है, कितने वृक्ष हम लोग लगवा सकते हैं, यही मुझे अच्छा है। हाँ सीडीओ साहब, एक बात आई है जैसे स्वच्छता अभियान के तहत कि अगर कोई खुले में शौच करता हुआ पाया गया तो 500 रुपये जुर्माना हो जाए, तो अब जैसे किसी को आजमगढ़ से बिलरियागंज से आजमगढ़ जाना है या रौना पार से आजमगढ़ तक जाना है तो पुरुष हो तो ये इनके पकड़ेंगे कहीं नहीं पड़ेगा, साथ में महिलाएं उनका पेट खराब है तो इतने लंबे अंतराल में रास्ते में कहीं शौचालय नहीं सरकार दिया है, तो ऐसी हालत में अगर उनका पेट खराब हो रहा है महिला या पुरुष वो कर रहे हैं तो क्या होगा, कैसे इससे निपटा जाएगा? रूप से सार्वजनिक स्थल पर अभी इस योजना में शौचालय बनवाने की व्यवस्था नहीं है, केवल उन सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्था है जैसे हमारे विद्यालय हो गए, आंगनबाड़ी केंद्र हो गए और हाट बाज़ार हो गए, नगर पंचायतें हो गई। लेकिन ऐसे में रास्ते में अनेक विकल्प रहते हैं, आजकल सारी व्यवस्था विद्यार्थी भी रहती है, शौच की व्यवस्था रहती है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा, सरकार का पूरा प्रयास है कि हम अपने देश को, अपने गाँव को, अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखें और स्वच्छ में शौचालय खुले में शौचालय से पूरी तरीके से हतोत्साहित और निरुत्साहित करेंगे। गांव की जनता ये कह रही है सर कि पहले शौचालय जगह जगह बन गए होते उसके बाद 500 रुपए वाला जुर्माना लगता या जेल की बात आती तो बात कुछ समझ में आती है। देखिए अभी पहले व्यवस्था नहीं है, अभी 500 रुपए जुर्माने की बात अभी नहीं है, अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट तब करेंगे जब हम पूरी तरीके से शौचालय बनवा लेंगे, ओडीएफ कर लेंगे, ओडीएफ के बाद उसके बाद भी लोग अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित है कि यही नहीं उनके राशन कार्ड भी तो हम यूज़ करेंगे, अभी तो केवल यही एक बात बताई जा रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि शौचालय बनने के बाद उसका प्रयोग करें, बस ये उसका आशय है। और सर ये जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं क्या उनकी किस्त में पैसे पहुँच चुके हैं? हाँ पहुँच गए, उनके खाते में पैसे पहुँच गए हैं, हम उसका नक्शा भी दिए हैं साथ में और उनको प्रमाण पत्र भी दिए हैं और कार्य भी कुछ जगह शुरू हो गया है। सर एक व्यक्ति इसमें ऐसा मिला है जिसको प्रमाण। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।